उनकी वैल्यूज में काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट फॉल आए और कंटिन्यूस आता चला जाए फाइन फॉर अ सर्टन टाइम पीरियड उस पर्टिकुलर फिन को हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश अब 1987 के अंदर स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई और हम एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को अगर लें तो वो कहती है कि आपकी जो मार्केट है उसकी एफिशिएंट मार्केट है उसमें लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन काफ़ी हाई होता है जिसकी वजह से लोगों को पता होता है कि क्या किस्म के चेंजेस तब्दीलियाँ हो सकती हैं उसके अकॉर्डिंगली वो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट होती है रिफ्लेक्ट होती है प्राइसेस ऑफ दैट एसेट में इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान और बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा हो नहीं सकता लेकिन जब 1987 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा नुकसान हो गया और एफिशेंट मार्केट हाइपोथेसिस इस पर्टिकुलर क्रैश को एक्सप्लेन नहीं कर सकी तो उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर उसको एक्सप्लेनेशन उसकी वजाहत देने के लिए काफ़ी सारे लोग सामने आए इस पर्टिकुलर फिन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो उन्हीं में हमारे पास एक बहुत मशहूर ज़माना फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट छिलर उनको फिर बाद में इस पर्टिकुलर काम करने पे नोबेल प्राइज़ भी मिला उन्होंने एक नया ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स कोइन किया डेवलप किया और उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है वो प्योर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस पे डिराइव नहीं होती उसके अंदर एंथ्रोपोलॉजी साइकोलॉजी सोशोलॉजी इन तमाम एस्पेक्ट्स की इन तमाम ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की अमल दखल होती है जब कोई भी इन्वेस्टर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कर रहा है इन अदर वर्ड्स वट आई एम ट्राइंग टू से इज़ के जब हम रैशनल डिसीजन मेकर मेकिंग की बात करते हैं हम कहते हैं फाइनेंस के जो इन्वेस्ट फाइनेंस में जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं या जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है या जो जो इन्वेस्टर है वो हमेशा हार्ड जो फैक्ट्स हैं नंबर्स हैं रेट ऑफ़ रिटर्न है रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन तमाम चीज़ों को मदनज़र रख के फिर वो रैशनली डिसीशन करते हैं और हम एस्यूम करते हैं जब रैशनल रैशनल रैशनलिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो जो इन्वेस्टर है वो अगर हमजदा है या वो खुश है या ईद है या शबरात है या न्यू ईयर है या मुहर्रम है इन तमाम चीज़ों का उसके फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के ऊपर असर नहीं होता लेकिन रॉबर्ट शिलर ने कहा कि ऐसा नहीं है तो व्हाट ही डिड वाज ही डेवलप्ड अ न्यू ब्रांच

कोई को एक्सप्लेन करने में वज़ाहत दिया देती हैं एंथ्रोपोलॉजी को लिया उन्होंने और इस तरह से उन्होंने डिफरेंट तरह की थेरीज़ को मिला के एक पर्टिकुलर ये स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ नॉलेज डिवाइन किया जिसमें उन्होंने वजाहत की कि जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है वो हार्डकोर फैक्ट्स एंड फिगर्स को अकाउंट फॉर करके सिर्फ नहीं बनती उसमें इन तमाम चीज़ों का भी ऐसा अमल दखल होता है कि जो इंडिविजुअल है वो एक्सट्रो extro, एक्सट्रोवर्ट है वो इंट्रोवर्ट है उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं वो किस तरह के लोगों में उठता बैठता है उस वो खुश है वो बहुत अफसरदा है ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे फाइनेंशियल डिसीशन मेकिंग को इन्फ्लूंस करती हैं और इस पर्टिकुलर ब्रांच को हम बोलते हैं बिहेवियरल फ़ाइनेंस और बिहेवियरल फ़ाइनेंस को जब हम की जब हम वजाहत करते हैं तो देर इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम शॉर्ट सेलिंग की फिननमन को ऑब्जर्व करें अगर तो हमने कहा कि जो एफिशेंट मार्केट हाईपाथिस है वो कहती है कि जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है या एबनॉर्मल रिटर्न है वो जैसे ही इंफॉर्मेशन का लेवल स्प्रेड होता है जैसे ही बाकी के पार्टिसिपेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट के पास नॉलेज या इंफॉर्मेशन पहुंचती है किसी भी सर्टन फ्लक्चुएशन या चेंज के या तब्दीली या कोई नई न्यूज़ आई है उसके बारे में तो वो इमीडिएटली जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो एलिमिनेट कर जाता है लेकिन जब हम शॉर्ट सेलिंग के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं शॉर्ट सेलिंग में होता क्या है शॉर्ट सेलिंग में ये है कि अगर किसी एक इन्वेस्टर को ये लग रहा है कि इस वक्त किसी सर्टन स्टॉक की कीमत हाई है कि प्राइस हाई है और फ्यूचर में ये फॉल करने वाली है तो इस पर्टिकुलर अब वो क्या कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है फ्यूचर में फॉल होगी ठीक है इस पर्टिकुलर चीज़ का फ़ायदा लेने के लिए वो क्या करता है वो कोई ऐसे इन्वेस्टर जिसके पास ऑलरेडी वो पर्टिकुलर स्टॉक है जिसको उसको नज़र आ रहा है अभी कीमत हाई है और फ्यूचर में वो कम होने वाली है उस पर्टिकुलर दूसरे इन्वेस्टर से वो स्टॉक बोरो कर ले फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड इतने टाइम पीरियड के लिए जब उसको लग रहा है कि ये सस्ता हो जाएगा तो अभी उसने क्या किया उसने स्टॉक लिया है बोरो किया और स्टॉक को वापस करना है और वो समझ रहा है कि एक माह के बाद या पंद्रह दिन के बाद इसकी कीमत नीचे चली जाएगी तो अभी क्या करता है वो वो स्टॉक बोरो करता है स्टॉक बोरो करके वो हाई प्राइस पे उसको बेच देगा हाई प्राइस पे बेच के जब उसकी एक हफ़्ते के बाद या दस दिन के बाद उसकी कीमत नीचे चली जाएगी तो वो सस्ती स्टॉक बाय करेगा और जहाँ से उसने बोरो किया उसको वापस कर देगा ऐसा करने से जो हाई प्राइस पे उसने बेचा है और जो लो प्राइस पे उसने खरीदा है वो जो फर्क है वो उसका प्रॉफिट बन जाता है फाइन तो दिस पर्टिकुलर थिंग फिनोमिन इज़ कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग तो हमने कहा कि वी वर टॉकिंग अबाउट बिहेवियरल फाइनेंस तो वेन वी देन अभी क्या हो रहा है जो इन्वेस्टर है जो शॉर्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हो रहा है उसको अंदाज़ा है के फ्यूचर में कीमत फॉल करने वाली राइट तो जिसकी बेसिस के ऊपर वो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करके एक्स्ट्रा मनी जनरेट करने जा रहा है अब हो सकता है कि फ्यूचर में प्राइस फॉल ना करे और फ्यूचर में प्राइस फर्दर एस्केलेट कर जाए इस केस में उसको प्रॉफिट की बजाय नुकसान हो जाएगा क्योंकि उसने वापस करना है स्टॉक और अगर फ्यूचर में प्राइस फॉल कर जाती है तो फिर उसको फायदा पहुंचेगा लेकिन इस पर्टिकुलर फिनोमिनन का अगर हम एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को अकाउंट फॉर करें तो इस पर्टिकुलर फिनोमिन का तो जो ओनर ऑफ द स्टॉक है उसको भी पता है भाई तो वो भी फायदा उठा सकता है लेकिन हम कह रहे हैं कि बिहेवियरल फाइनेंस कह रहा है कि बिकॉज पीपल आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर साइकोलॉजिकल सेटअप इन इन टर्म्स ऑफ देयर सोशियोलॉजिकल सेटअप इसलिए दे बिहेव इन डिफरेंट वेज दे अकाउंट फॉर दीज ऑल एस्पेक्ट्स एंड देन दे डिसाइड अकॉर्डिंगली फॉर वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर वन इज़ द ओनर ऑफ़ द स्टॉक एंड द अदर इज जस्ट डूइंग इन्वॉल्व इन शॉर्ट सेलिंग और दोनों डिफरेंट तरह से सोच रहे हैं डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहे हैं सो साइकोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग लॉस अवर्ट होते हैं यानी कि वो ऐसे की किस्म की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या डिसीशन मेकिंग करते हैं जो कि उनको लॉस अवर्जन दिखाती है या लॉस एवर्जन में हेल्प करती है लॉस एवर्जन का मतलब है कि अगर मैं मेरे पास इन्वेस्टमेंट के दो चॉइसेस हैं एक में रिस्क ज़्यादा है दूसरे में रिस्क कम है मगर दोनों की रिटर्न तकरीबन हम रहे हैं बराबर है तो मैं क्या करूँगी मैं उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करूँगी जहाँ रिस्क कम है इस पर्टिकुलर वजह से मैं अपने आप uh, को आइडेंटिफाई करती हूँ कि मैं लॉस एवर्जन की फिनोमिनन को फॉलो करती हूँ राइट सो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ज़्यादातर लोग लॉस एवर्जन को फॉलो करते हैं कि वो ऐसी किस्म की सिचुएशन में नहीं जाना चाहते जहाँ हाई लेवल ऑफ रिस्क हो या जहाँ नुकसान होने का अंदेशा ज़्यादा हो तो हम बिहेवियरल फाइनेंस में जो इंडिविजुअल्स लेते हैं हम कहते हैं कि दे आर सब्जेक्ट टू लॉस एवर राइट उनके ऊपर साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स का इम्पैक्ट आता है उन पे सोशियोलॉजिकल इफेक्ट्स का इम्पैक्ट आता है और वो हंड्रेड परसेंट रैशनल डिसीशन मेकिंग नहीं करते दूसरी अहम बात यह है कि साइकोलॉजिस्ट ने यह भी आइडेंटिफाई किया कि दो इंडिविजुअल्स टेक डिसंस समाइम्स दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ देयर ओन जजमेंट्स जो उनकी पर्सनल जजमेंट्स होती हैं आप ये कॉन्ट्रोडिक्ट करिए किस से रैशनल डिसशन मेकिंग के प्रिंसिपल से रैशनल डिसशन मेकिंग का प्रिंसिपल कहता है कि इंडिविजुअल्स तमाम तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रख कर फिर डिसीशन लेते हैं लेकिन साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं और जो हम बिहेवियर फाइनेंस में इस पर्टिकुलर फिनन को भी इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं कि जो उनकी पर्सनल जजमेंट होती है उनको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मेरे लिए फ़ायदा मंद है ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फ़ायदा मंद नहीं है फलां के साथ काम करना फ़ायदा मंद है फलां के साथ नहीं काम करना उसके बारे में वो जजमेंट लगाते हैं और फिर उस जजमेंट के लिए वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एंड दिस इज़ हाउ दे बिहेव

तो उनका जो मानना होता है किसी भी चीज़ के लिए और जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स को इतना वज़न नहीं देते जितना वो द वे दे आर बिलीविंग इन सर्टन थिंग कि जो उनका बिलीफ है उस पर्टिकुलर चीज़ को वो ज़्यादा वैल्यू करते हैं तो दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीडिक्स द रैशनल थेरी ऑफ डिसीशन मेकिंग एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज के जो इंडिविजुअल्स uh, हैं एक तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है अबाउट देयर जजमेंट्स दूसरी एक अहम बात जो कि बिहेवियरल फाइनेंस एम्फोसाइज करती है वो ये है कि लोग कंटेजियन इफ़ेक्ट को या फैट्स को या भेड़ चाल को ज़्यादा फॉलो करते हैं कि देखा लोगों ने एक फ़ला तरह की स्टॉक में ज़्यादातर लोग आज मार्केट में स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग फॉर एग्जांपल एक सर्टन तरह की स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या सर्टन तरह की स्टॉक बेच रहे हैं तो वो भी इसी काम को शुरू कर देते हैं दे डू नॉट गेट इन टू द नंबर्स वो नंबर्स नहीं देखते वो फैक्ट्स नहीं देखते वो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट को नहीं देखेंगे वो सिर्फ ये देते देखते हैं कि जो और लोग क्या कर रहे हैं और उसको फिर वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो ये चीज़ को भी फाइनेंशियल जो मार्केट्स हैं या फाइनेंशियल जो डिसीजन मेकिंग के बिहेवियर है उसमें इस पर्टिकुलर चीज़ को भी ऑब्जर्व किया गया और ये तमाम चीज़ें रैशनल डिसीशन मेकिंग से फ़र्क है और ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आपको अपने आप में और जो भी आपके इर्द गिर्द फैसला साजी कर रहे होते हैं फाइनेंसिस के बारे में इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उसमें आपको ये नज़र आती है